सीधा जवाब दीजिए आप, बचिए मत कि आप एमएसपी को कानूनी गारंटी देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। सरकार निरंतर किसान के कल्याण के कामों में लगी हुई है। ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। एमएसपी पर संग्राम, शिवराज बोले किसान हमारा भगवान, धनखड़ ने कहा आप बाहर चले जाओ। किसे कहा? संसद में बजट पर लगातार चर्चा हो रही है और इस चर्चा के दौरान चाहे राज्यसभा हो या फिर लोकसभा, विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल पर सवाल दागे जा रहे हैं। कई बार तो स्थिति यह भी बन रही है कि सभापति सदस्यों को लगातार टोक भी रहे हैं और यहां वहां की बात न करते हुए सीधे सवाल पर आने पर या मुद्दे पर आने पर कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी खूब हंगामा देखने को मिल रहा है। अपोजिशन ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ रहा जिसमें सत्ता पक्ष को न घेरा जाए। शुक्रवार को राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर जोरदार हंगामा देखने को मिला और बहसबाजी देखने को मिली। एक तरफ कृषि मंत्री जवाब दे रहे थे और दूसरी तरफ हंगामा हो रहा था। नौबत तो यहां तक आ गई कि सभापति जगदीप धनखड़ ने कह दिया कि आप बाहर चले जाओ। किसे कहा? मामला एमएसपी को लेकर था जिस पर आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ खेती है और हमारी सरकार के लिए किसान भगवान के समान है। उन्होंने सदन को यह भी बताया कि एमएसपी के लिए समिति बनाई गई है और ये तीन कामों पर फोकस करने के लिए बैठकें लगातार कर रही हैं। इस मामले में कुल 22 बैठकें हो चुकी हैं और 22 जुलाई से अभी तक 6 बैठकें हो गई हैं। 35 उप समिति की भी बैठक हो चुकी है और समिति की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जैसे ही समिति सिफारिश करेगी सरकार उस पर विचार करने का काम करेगी। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसी है। जहाँ तक बैठिए आप बैठिए ना, मंत्री जी बोल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, वहीं यूपी से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने सवाल करते हुए कृषि मंत्री से सवाल करते हुए कहा कि आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, बचने की कोशिश मत करिए, ये बताइए कि एमएसपी को कानूनी गारंटी के रूप में कब दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को कभी भी एमएसपी का लाभ नहीं मिला है। ये जो किसानों को भगवान बता रहे हैं, मैं आरोप लगाना चाहूंगा कि इनको किसानों की समस्याओं से कोई प्रश्न पूछिए। रामजी लाल जी जी, मेरा पूरक प्रश्न यह है कि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये 1966-67 से शुरू हुआ और व्यवहार में बात यह, हम भी खेती करते हैं कि किसान को कभी भी एमएसपी का लाभ नहीं मिला। सभापति महोदय, इसलिए किसानों ने मांग की कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए। मैं सभापति महोदय, आपके आज्ञा से मैं कृषि मंत्री से जानना चाहूँगा, सीधा जवाब दीजिए आप, बचिए मत कि आप एमएसपी को कानूनी गारंटी देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। हालांकि जैसे ही कृषि मंत्री ने इस पर जवाब देना शुरू किया, विपक्ष की तरफ से फिर से हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सरकार की किसानों को लेकर 6 सूत्रीय रणनीति है जिसमें उत्पादन को बढ़ाना, कृषि की लागत को घटाना, उसके ठीक दाम देना, प्राकृतिक आपदा में किसान के नुकसान की भरपाई करना, कृषि का वृद्धिकरण और प्राकृतिक खेती शामिल है। उन्होंने कहा कि समिति की रिपोर्ट आने का इंतजार है और हम इसके साथ ही चुप नहीं बैठे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने सदन में अलग अलग फसलों के एमएसपी के दामों को गिनाना भी शुरू कर दिया। सुनवाते हैं आपको। माननीय सभापति महोदय, समिति की रिपोर्ट आएगी तब हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन तब तक हम चुप नहीं बैठे। मैं आज बताना चाहता हूं, समिति जो एमएसपी के जो दाम है, इसी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2013-14 तक बाजरा के 1250 थे, हमने घोषित किए 2625, जौ के 1100 थे, हमने किए 1850, मक्का के 1310 थे, हमने किए 2225, रागी के 1500 थे, हमने किए 4290, गेहूँ के 1400 थे, हमने किए 2275, तुअर के 4300 थे, हमने किए 7550, ये 23 फसलों के दाम देख लीजिए। हालांकि इस दौरान विपक्ष की टोका टोकी भी जोरदार तरीके से चलती रही। रणदीप सुरजेवाला ने भी इस दौरान सरकार को खूब घेरने की कोशिश की।
शिवराज सिंह चौहान सदन में बोलते रहे, विपक्ष टोकता रहा। शिवराज सिंह चौहान ने भी हालांकि लगातार आंकड़े गिनाने का काम सदन में किया था। सरकार का माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार निरंतर किसान के कल्याण के कामों में लगी हुई है, और मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहता हूं कि एमएसपी की दरें किसान को ठीक दाम देने के लिए लगातार बढ़ाई गई है। ये गलत आरोप लगा रहे हैं, सरकार की 6 सूत्रीय रणनीति है किसान को ठीक दाम देने के लिए। एक उत्पादन बढ़ाना, दूसरा उत्पादन की लागत घटाना। लेकिन जैसे ही एम षणमुगम को सभापति ने बोलने के लिए सदन में कहा, तो कृषि मंत्री के बयान पर जोरदार हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद सभापति ने कहा कि रिकॉर्ड में ये सारी चीजें नहीं जाएंगी। दरअसल विपक्ष की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि सरकार को एमएसपी पर सीधा जवाब देना पड़ेगा। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने रणदीप सुरजेवाला का नाम लेते हुए कहा कि आपको तुरंत सदन से बाहर चले जाना चाहिए, आप चर्चा में व्यवधान पैदा कर रहे हैं और किसानों को लेकर हो रही इस चर्चा में हंगामा कर रहे हैं, इसके लिए आप सदन से चले जाइए। इतना ही नहीं, सभापति ने सदन में हंगामा कर रहे सांसदों से यह भी कहा कि आप अन्नदाता की तो इज्जत कीजिए, किसान की इज्जत कीजिए और सदन में चर्चा को होने दीजिए, क्योंकि कृषि मंत्री जवाब दे रहे हैं। आप क्यों डिस्टर्ब करते हो? माननीय सभापति नहीं, रामजीलाल जी एक बार बैठिए, आप मंत्री भी रह चुके हैं, अनुभवी हैं, प्रश्न पूछिए, तो बीच में मत टोकिए प्लीज, इट डजंट रिक्वायर। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, हमें किसान विरोधी कहा जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि हम उपाय कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जब बड़ा किसान हितैषी कोई है नहीं, और इसलिए उत्पादन का ठीक दाम देना, प्राकृतिक आपदा हो तो नुकसान की भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और प्राकृतिक खेती, अब इसमें उचित दाम देने के लिए। आपको बता दें कि एमएसपी को लेकर पहले भी पूरे देश में महाभारत छिड़ चुकी है। किसानों की तरफ से इसे लेकर पहले भी सरकार से सवाल किए जा चुके हैं और ये मांग की जा चुकी है कि एमएसपी को लेकर कानून बनना चाहिए। हालांकि आज सदन में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि किसान की बेहतरी के लिए काम करने में ये सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। सीधा जवाब दीजिए, आप बताइए मत कि आप एमएसपी को कानून देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। सरकार निरंतर किसान के कल्याण के कामों में लगी हुई है।